Hello, 9th standard students. There is drawing lecture today. Take out your art book. Page number 11 पर आइए. यहाँ पे वर्ड आर्ट पेज नंबर 11 पे गुजराती के वर्ड आर्ट है और वर्ड आर्ट है. और ये पेज नंबर 12 पे इंग्लिश पे से देखिए. यहाँ 11 नंबर के पेज पर एक गाय ग फिर क्या बोलते कानो य कैसे गाय का चेहरा बन गया. गुजराती लेटर से ही कैसे गाय का चेहरा बना. यहाँ जोकर यहाँ चक्र तो इस तरह से आप जोकर में ज ये है फिर ऊपर मात्रा दो फिर इसको लिया है फिर यह चक्र च तो आप कोई ब्राउन बुक में इनमें से कोई चार और 11 नंबर के पेज में से जो भी आपको अच्छा लगे वो चार और 11 नंबर 12 के पेज से कोई चार ब्राउन बुक में चार चार देखकर ही बनाना है बेटा. ओके ये आपको मैं बता नहीं रहा हूँ होमवर्क. ये आपको होमवर्क देख कर बनाना है. वन ही एक ही पेज पर बीच में लाइन ड्रॉ कर लेना. पेज राइट साइड के पेज पर ही ड्रॉ करना है हमेशा. आधे आधे में बीच में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना. एक साइड लेफ्ट साइड पे गुजराती और राइट साइड पे इंग्लिश की. मतलब 12 नंबर के पेज में से कोई चार और 11 नंबर के पेज में से कोई चार बनाना है ब्राउन बुक में. ओके ये आपको हम देख कर बनाना है. पेज नंबर 49 पर आइए. पेज नंबर 4949 चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राइंग टूल्स एंड इट्स यूजेस हो चुका. अब चैप्टर 2 ड्राइंग एलिमेंट्स. ड्राइंग के एलिमेंट्स क्या है इसके मूल तत्व क्या है उसके बारे में. आर्ट इंटरप्रिटेशन मतलब कि आर्ट का इंटरप्रिटेशन मतलब इसका विवेचना है. यहाँ कल्चर इज द मिरर ऑफ योर लाइफस्टाइल. आर्ट इज द यूनिक पार्ट ऑफ द कल्चर. ह्यूमन कल्चर इन अर्ली डेज वॉज रिलेटेड टू रिलीजन. आर्ट वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजन. आर्ट एंड कल्चर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. हमारा कल्चर हमारी जिंदगी जीने का जो ये है तरीका है इसका एक मिरर है. कल्चर आर्ट इज द यूनिक पार्ट ऑफ द कल्चर. ह्यूमन कल्चर अर्ली डेज वॉज रिलेटेड टू रिलीजन. पहले पहल के
इंसान की जिंदगी जिंदगी में ये ह्यूमन कल्चर इन अर्ली डेज वॉज रिलेटेड टू रिलीजन। तो ये जो पहले की मानव संस्कृति जो थे वो पहले रिलीजन पे ही आधारित थे ज़्यादातर। आर्ट वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई द रिलीजन। आर्ट एंड कल्चर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। द वर्ड आर्ट इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत फॉर वेलफेयर। संस्कृत फॉर वेलफेयर से ये आर्ट वर्ड ये हुआ है, जन्म लिया आर्ट वर्ड ने जन्म लिया। द ओरिजिनल इंग्लिश वर्ड आर्ट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड आर्ट। लेकिन ओरिजिन जो आर्ट वर्ड है वो एक्चुअली लैटिन वर्ड आर्स आर्स पे से उतारा गया है। इट मीन्स टू ऑब्टेन, बिकम एजुकेटेड और टू वैनिश। ऑब्टेन या फिर बिकम एजुकेटेड या फिर वैनिश। ओके, आर्ट स्कल्पचर म्यूजिक एंड लिटरेचर इज कंसिडर्ड एज सब्जेक्ट ऑफ फाइन आर्ट्स। आर्ट एंड क्राफ्ट इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटिफुल पिक्चर आर्ट। यू कैन कैलकुलेट ब्यूटिफुल पिक्चर विथ योर आईज। द गोल ऑफ आर्ट इज टू अवेक द रूट ऑफ ह्यूमन हार्ट विथ simulates, animates and express elements of nature. Art and beauty are correlated in spite of being different. The main purpose of art by beautiful construction makes us supernatural and emotionally happy. It delights our heart while painting. God has created vision about art in the universe, about unique picture elements in the creation of art. Kids have lots of pleasure while doing art. Some kids can't speak, but when broken color is given, they can express themselves by drawing straight, slant, slipping lines, by drawing circles with glitters, different shapes of art. All these shapes are drawn on their own. By doing their own creation of drawing, they are too happy. The main purpose for giving kids art education is to increase their creativity, observation and visualization. बच्चे के हाथ में भी अगर कोई कलर का कपड़ा पकड़ा था तो वो कैसे भी आड़ा टेढ़ा कैसे भी वो ड्राइंग करने लगेगा और फिर उसी से वो खुश लेगा। इससे उसका फिर ये ड्राइंग ड्राइंग ऑफ आर्ट या जो कुछ भी आर्ट क्राफ्ट वर्क उसका ये और भी उसका जिज्ञासा अच्छा रहता है और उसकी जो उसका जो वो आड़ा टेढ़ा लीटियाँ करी लाइन्स करी उससे फिर उसका वो उसमें इम्प्रूवमेंट भी आता था और उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती है। उसका देखना, ऑब्जर्वेशन, विजुलेशन, क्रिएटिविटी यानी कि सृजन शक्ति, सृजनात्मकता वो भी बढ़ता है उसमें बच्चे में। इस तरह से बच्चे में फिर और भी इम्प्रूवमेंट आता है। दे आर फ्री टू थिंक इन देयर ओन वे एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स थ्रू आर्ट बाय थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी प्रोसेस एंड कैन मेक एंड लर्न ब्यूटिफुल पिक्चर्स। दे ऑल्सो गेट मेंटल सेटिस्फेक्शन बाय डूइंग दिस। इन टुडेज मॉडर्न मैकेनिकल लाइफ child art education, it gives freedom to do art in their own way. They learn an important lesson by thinking process. They understand in their own about the likes and dislikes. To give a good knowledge of beautiful and creative art, colors, shapes and point. To beautify your drawing, it is very important to color what is being drawn. इसके बाद कलर स्केच पर करने के बाद कलर करने में भी बाद में जान उसके चित्र में जान डलती है।
पर भी आकर्षक लगने लगा। नंबर वन लाइन, इन स्टडी ऑफ आर्ट लाइन इज वेरी एक्सक्लूसिव, ड्राइंग अ लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट टू ड्रॉ पिक्चर्स, लाइन सबसे अहमियत वाली चीज है ड्राइंग में आर्टिस्ट के लिए, ये लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स ऑफ अ लाइन, फॉर एन आर्टिस्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स, फीलिंग्स को उजागर करने के लिए लाइन ही एक ये है जरिया रहता है। लाइन इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग लाइंस, डिफरेंट शेप्स आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ लाइन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस शेप्स डिफरेंट ड्राइंग्स कैन बी प्रिपेयर्ड। इट इज़ वन डायमेंशनल एंड कैन वेरी इन विद डिरेक्शन एंड लेंथ, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस विद गिव डिफरेंट मीनिंग्स, तरह तरह की लाइन होती है और इसका मतलब भी अलग निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस, वेव लाइंस, क्रिस क्रॉस लाइंस, ब्रोकन लाइंस, थिन लाइंस, थिक लाइंस, थिक के बारे में हम जानते हैं। वर्टिकल लाइन डिस्प्ले परसिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी, इट डिस्प्लेज काम कूल एंड ह्यूमन। वर्टिकल लाइन जो है स्टेबिलिटी स्थिरता बताता है, या फिर वो कुछ स्थिरता बताता है, बिल्कुल अडग है और शांति ह्यूमन। इफ इन पिक्चर मोर ऑफ वर्टिकल लाइन्स आर यूज देन यू कैन सी मोशन, अगर ज़्यादा वर्टिकल लाइन्स बताया जा रहा है अगर कोई पिक्चर में, तो हमें तुरंत समझ में आता है कि वो एक गति है, मोशन है। एग्जांपल टेलीफोन, वर्टिकल लाइन के एग्जांपल से टेलीफोन, थंडर पिलर, टॉल टावर, स्टैंडिंग सोल्जर, टॉल ट्रीज, मल्टी लेवल बिल्डिंग्स एटसेट्रा। नंबर टू हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लीपिंग लाइन डिस्प्लेज काम, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब आड़ी, वर्टिकल लाइन खड़ी थी, खड़ी लाइन को वर्टिकल लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब आड़ी। स्लीपिंग लाइन डिस्प्लेज काम एंड कूल ह्यूमर, बिल्कुल शीतता शांति कूल एंड काम ह्यूमर बताता है। हॉरिजॉन्टल लाइन सजेस्ट फीलिंग ऑफ रेस्ट और रिपोज, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स पैरेलल टू द अर्थ आर एट रेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑल्सो गिव अ सेंस ऑफ स्पेस, एग्जाम्पल स्लीपिंग मैन और एनिमल, थिंग लाइंग ऑन द फ्लोर, ट्री फॉलन ऑन द फ्लोर, हॉरिजन। हम समंदर के किनारे पे खड़े रहेंगे तो दूर दूर तक दरिया समंदर है, लेकिन समंदर और आसमान एक जगह पर मिल जाती है, जिसे हम हॉरिजन कहते हैं, बराबर वह क्षितिज कहलाता है हिंदी में। तो वह एक आड़ी लाइन है, तो ये बिल्कुल रेस्ट बताता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के एग्जांपल स्लीपिंग मैन और एनिमल, अ थिंग लाइन ऑन द फ्लोर, कोई पेड़ गिर गया है ज़मीन पर, वो तब ये हॉरिजॉन्टल लाइन बताते हैं हम। और फिर हॉरिजन यानी कि क्षितिज, जैसे मैंने बताया आसमान और ज़मीन या समंदर एक जगह पर मिल जाता है, वो हॉरिजन। हमें लगता है कि आगे नहीं है, नहीं, मगर आगे भी दुनिया है, अगर हमें दिखता है क्षितिज आ गई हॉरिजन। स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइंस कन्वे, स्लैंटिंग लाइंस कन्वे फीलिंग्स ऑफ मूवमेंट, ये मूवमेंट बताता है स्लैंटिंग लाइन। आगे आगे, ऑब्जेक्ट्स इन अ डायगोनल पोजिशन आर अनस्टेबल बिकॉज दे आर नीदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, ना तो वो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, दे आर ऑलरेडी अबाउट टू फॉल और इन मोशन, को गिरने वाला है या फिर मोशन में है।
एग्जाम्पल रनिंग चाइल्ड तो हम स्लैंटिंग लाइन बताते हैं, रनिंग डियर बराबर, फ्लाइंग बर्ड, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। वेव लाइन्स यानी कि लहरों वाली लाइन, द लाइन विच इज सीन इन द रिवर इज नोन एज वेव लाइन। वेव लाइन्स एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ मोशन, रिदम, मेलोनेस एंड सॉफ्टनेस। मोशन, रिदम, ताल, मेलोनेस, मीठापन, मधुरता, सॉफ्टनेस, नरमी। एग्जाम्पल उसके वेविंग लाइन्स के एग्जाम्पल्स हैं, स्नेक मूविंग इन द ग्राउंड, रेंगता हुआ सांप जमीन पर, वेव सीन इन द रिवर एंड सी, समंदर या नदी के अंदर हम जो लहरें बताते तब ये वेव लाइन्स का इस्तेमाल करते हैं। क्रिस क्रॉस लाइन, दिस लाइन कन्वेज फीलिंग ऑफ डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूजन। ये क्रिस क्रॉस लाइन यानी कि ये चौकड़ी 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 करते हैं ना, यानी कि ये क्या बताता है कि भाई नियम के बाहर है, अनियमित है, या फिर कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ गुजवन गुजराती में भी कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल अर्थक्वेक, एक्सीडेंट सीन, डेब्रिस, जैसे कि अर्थक्वेक धरती कंप है, एक्सीडेंट का सीन, कोई जो व्हीकल ने टक्कर मार दिया किसी व्हीकल को, किसी टक्कर लगी, तभी हम क्रिस क्रॉस लाइन बना देते हैं। या फिर कुछ मलबा गिरा हुआ, किसी इमारत का गिरा हुआ मलबा, डेब्रिस, तब ये सारे एग्जाम्पल है, अर्थक्वेक, एक्सीडेंट सीन, डेब्रिस। नंबर सिक्स, ब्रोकन लाइन। ब्रोकन लाइन टेल्स अस अबाउट मोशन, ये मोशन बताता है ब्रोकन लाइन। ब्रोकन लाइन टेल्स अस अबाउट मोशन, इट गिव्स अ फीलिंग अबाउट डेंजर। ये कुछ डर का भी ये एहसास दिलाता है, शिवरिंग, डेंजर, शिवरिंग, इनसिक्योरिटी, बराबर, कुछ असलामत, कुछ इनसिक्योरिटी, असलामत सा रहना। वो एग्जाम्पल है इसके, दिस लाइन इज यूज इन इन रेन। ब्रोकन लाइन्स हम बताते हैं ना, हम रेन ड्रॉप्स जब बताते बारिश का मौसम, तब ये ब्रोकन लाइन्स, त्रुटक रेखा, मूविंग कार एंड वाटर सीन इन ए ट्रांसपेरेंट वेसल। हम इस वेसल में अगर पानी भरा है, कांच का वेसल है, तो हम ऐसे ब्रोकन लाइन्स के जरिए बताते कि भाई ये पानी है, हमें पता चल जाता है इस तरह का, भाई ये पानी बताना चाहते हैं। नंबर सेवन, थीन लाइन। थीन लाइन डिस्प्लेस फोर्स, स्ट्रेंथ, लिमिट, आउटस्कर्ट्स ऑफ मैप। थीन लाइन क्या बताता है, फोर्स, स्ट्रेंथ, लिमिट, सीमा, आउटस्कर्ट्स ऑफ मैप। मैप में मतलब आप उसकी बाउंड्री होती है वो। एग्जाम्पल इसके, थीन लाइन इज यूज टू डिस्प्ले द स्ट्रेंथ ऑफ द बर्ड। बर्ड या एनिमल की जो स्ट्रेंथ बताने के लिए भी हम थिन लाइन बताते हैं। थिक लाइन, थिक लाइन डिस्प्लेस द फीलिंग ऑफ लेजीनेस एंड ऑबेसिटी। ये थिक लाइन हम मतलब लेजीनेस या ऑबेसिटी, स्थूलता वो बताने के लिए थिक लाइन बनाते हैं। दिस लाइन इज सीन इन ऑबेस ह्यूमन बीइंग एंड डेंसिटी of an object.
किसी स्थूल इंसान की या किसी स्थूल चीज़ ऐसा है, मतलब वो ज़्यादा ये एक्टिव नहीं है, वो बताने के लिए हम थिक लाइंस यूज़ करते हैं। नंबर टू, फॉर्म्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग लाइंस। एन आर्टिस्ट गिव्स अ ब्यूटीफुल फॉर्म टू दिस आइडिया बाय क्रिएटिंग डिफरेंट शेप्स। इन स्कल्पचर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू क्रिएटिंग फॉर्म्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, दो तरह के फॉर्म्स होते हैं यहाँ पे, टू डी, थ्री डी। टू डी यानी कि टू डायमेंशनल, थ्री डी थ्री डायमेंशनल। Those shapes which have only two dimensions, namely length or breadth or width, are called two-dimensional, yani 2D forms. Example, a painting, a photo frame, a photograph. Length, breadth और width है सिर्फ, और फिर उसका जो घुमा है वो नहीं, वो 2D forms कहते हैं उसे। जैसे कि painting, photo frame और photograph, ये उनके उदाहरण। नंबर टू, थ्री डी फोटो फ्रेम एंड फॉर्म्स, दो शेप्स विच हैव थिकनेस और डेप्थ इन एडिशन टू लेंथ एंड विथ आर कॉल्ड थ्री डायमेंशनल थ्री डी फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर वर्क, हाउस, टेम्पल एक्सेट्रा। रूबरू हम देख रहे हैं जो चीज़, कोई इमारत, कोई मंदिर, कोई स्कल्पचर, उसका घुमा है साइड से भी, आगे से तो सही, साइड से भी, पीछे भी, तो 3D के एग्जांपल हुए। नंबर थ्री, अबाउट कलर। अब हम कलर के बारे में जानेंगे। द वर्ल्ड अराउंड अस इज फुल ऑफ वेरियस कलर्स, है ना, हमारे इर्द गिर्द सारी चीज़ें रंग बिरंगी कलर से मौजूद है, हर एक चीज़। इट डज द वर्क ऑफ गिविंग लाइफ टू योर ड्राइंग। कलर से हमारे कलर ही हमारे ड्राइंग में जान से फूकती है। द ड्राइंग लुक्स ब्यूटीफुल आफ्टर अप्लाइंग कलर। इट हैज लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ to make humans happy with colors. With color we come to know whether the thing is or lifeless, human is weak or strong, whether the human being old or young. Color se hum koi cheez jandar hai ya bejan sa hai, yani wo mazboot hai ya kamzor hai, koi cheez koi गति में है या फिर बिल्कुल स्थूल सा है, ये सब कलर्स के जरिए बता सकते हैं। वी शो हेल्दी चाइल्ड विथ पिंक कलर एंड वीक चाइल्ड विथ येलो कलर। वी शो रेड कलर ऑन मैरिज ऑकेजन। हम कोई हट्टा कट्टा सा बच्चा देखेंगे तो हम कहते देखो कैसा गुलाबी सा बच्चा है, मगर जो अगर कोई बिल्कुल कमज़ोर इंसान हो और दुबला पतला कमज़ोर सा इंसान, तो बिल्कुल सा पीला पड़ गया, ये कहते हैं। वी शो द हेल्थ चाइल्ड विथ पिंक कलर एंड द वीक चाइल्ड विथ येलो कलर। वी शो रेड कलर ऑन मैरिज ऑकेजन। हम जब मैरिज ऑकेजन होता है तब रेड कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। टू शो द फीलिंग ऑफ द नेचर, फीलिंग ऑफ नेचर बताने के लिए हम ये वी अप्लाई ग्रीन एंड ब्लू कलर। टू शो द फीलिंग ऑफ द नेचर वी अप्लाई ग्रीन एंड ब्लू। कुदरती ये बताने के लिए नेचर का फीलिंग, तो अब हम ग्रीन एंड ब्लू कलर का यूज़ करते हैं। द हार्मनी ऑफ कलर्स इन नेचर सीम्स टू हैव प्रॉम्प्टेड टू द यूज़ ऑफ कलर फॉर एनचेंटिंग ब्यूटी। इट इज therefore
essential to understand the fundamental principles of color harmony. क्या कलेक्टिव श्रृंखला है उसे जानना जरूरी है. विद द हेल्प ऑफ ग्लास रेडिएशन ऑफ सन रेज कैन बी स्प्लिट एंड वाइट कलर कैन बी स्प्लिट इनटू सेवन कलर्स पर्पल ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज स्काई ब्लू मरून. हम किसी वाइट कलर को प्रिज्म पे डालेंगे तो दूसरी तरफ इसके वाइट कलर के वो प्रिज्म के जरिए फिर दूसरी तरफ सात कलर निकलेंगे. तो वाइट कलर में सेवन कलर से जो हम मेघ धनुष रेनबो देखते हैं वो वाइट कलर से ही छुटे हुए और सारे रंग हैं. कहीं पे पानी का जमाव उड़ा हुआ है वहाँ पे हुआ होगा, कहीं पे वो सन रेज गिरे उस पर और उसमें से फिर आसमान पे हम वो मेघ धनुष या रेनबो देख पाते हैं. तो वाइट कलर में ये विबग्योर तीन कलर छिपे हुए थे, पर्पल ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज. With the help of these colors, an artist can make a beautiful painting. In modern art samples, with the help of color and looks, a form can be formed, which is very significant. There are three series of colors: primary colors, secondary colors, and tertiary colors. हम primary colors और secondary colors के बारे में ज़रूर जानेंगे, tertiary colors में थोड़ा थोड़ा जानते हैं. पर अब primary colors यानी कि basic colors, secondary colors यानी कि जो बेसिक कलर्स यानी प्राइमरी कलर्स के मिक्सिंग से बनते हैं वो सेकेंडरी कलर्स, और टर्शियरी कलर्स मतलब दो कोई दो सेकेंडरी कलर्स के मिक्सिंग से जो कलर हमें मिलता है वो टर्शियरी कलर्स कहते हैं. नंबर वन प्राइमरी कलर्स, द इनमोस्ट स्मॉल सर्कल ऑफ द कलर व्हील, थ्री कलर्स रेड येलो एंड ब्लू आर देयर. हम जो कलर ऑफ व्हील या व्हील कलर हमने हम हर साल बनाते हैं ये वाला, तो ये रेड ब्लू येलो इनरमोस्ट सर्कल के अंदर ये रेड ब्लू येलो है तो बेसिक यानी कि प्राइमरी कलर्स कहलाता है. ये बिल्कुल प्योर रहता है, लस्टरलेस रहता है, ये किसी कलर के मिक्सिंग से नहीं बनता. दिस थ्री आर ओरिजिनल एंड ब्राइट कलर्स एंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एनी अदर कलर्स. ग्रे कलर इज प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग दिस थ्री कलर्स, और इन तीन कलर के मिक्सिंग से फिर ग्रे कलर मिलता है हमें. Now number two, secondary colors. Secondary colors are green, orange, and purple, and present in the second circle of the color wheel. Green, orange, and purple. Green, orange, and purple. ये किसी दो primary colors के mixing से बनते हैं. इसलिए इसे सेकेंडरी कलर कहलाता है. ये थोड़ा प्राइमरी कलर से कम लास्ट ये रहता है, लास्टरस रहता है, थोड़ा सा डल रहता है उससे. येलो प्लस रेड ऑरेंज कलर, येलो प्लस रेड तो ऑरेंज कलर मिलता है हमें. रेड और ब्लू मिक्स करोगे तो वायलेट मिलेगा, ब्लू प्लस येलो ग्रीन. Orange, violet and green are secondary colors. So orange, violet and green are secondary colors. They are less pure and bright compared to primary colors. So, कम प्योर रहते हैं ये प्राइमरी कलर से और थोड़े कम ब्राइट रहते हैं थोड़े. नंबर थ्री टर्शियरी कलर्स, दे आर फॉर्म्ड व्हेन टू सेकेंडरी कलर्स आर मिक्स टुगेदर इन इक्वल प्रोपोर्शन. टर्शियरी कलर्स आर ऑलिव ग्रीन ब्राउन एंड स्लेट. मैंने कहा ना जो सेकेंडरी कलर्स के मिक्सिंग से कलर के मिक्सिंग से जो कलर मिलता है उसे टर्शियरी कलर्स कहते हैं. ऑलिव ग्रीन ब्राउन एंड स्लेट दीज थ्री कलर्स आर टर्शियरी कलर्स. ऑरेंज प्लस ग्रीन तो ऑलिव ग्रीन, ऑरेंज प्लस पर्पल तो ब्राउन, पर्पल प्लस ग्रीन मिक्स करेंगे तो स्लेट कलर मिलेगा. दिस कलर लुक डल, ये बहुत ज़्यादा डल रहता है. द ब्राइटनेस एंड प्योरिटी वेरी लेस, ब्राइटनेस उसकी इसकी प्योरिटी, इन तीनों कलर की प्योरिटी और ब्राइटनेस वो प्राइमरी क्या सेकेंडरी कलर से भी कम रहता है. कौन से कलर ये टर्शियरी कलर्स, ऑलिव ग्रीन ब्राउन एंड स्लेट.
In this way, you can have knowledge about the color scheme and can be used in different paintings. प्रॉपर्टीज ऑफ कलर के बारे में जानेंगे. ह्यूमन माइंड्स आर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कलर. ईच कलर एक्सप्रेस सर्टेन एक्सप्रेशंस. अलग अलग तरह की भावना ये हमारे बताता है कलर्स के लिए उजागर होता है. द रिजल्ट इज दैट डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड एज सिंबल्स. अकॉर्डिंग टू इंडियन आर्ट कलर्स हैव सिंपल एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप with Navras, white, dire, tragic, jewelry, nasty, humor, amazing, awesome, and heroics are displayed or shown by using different colors. Now about red. अब colors के बारे में जानेंगे. Red. Red color is used for festivals, bridge and spring. त्यौहार है और स्प्रिंग में ब्रिज में ये कलर यूज़ किया जाता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कलर इन इंडियन रिलीजन. इट इंडिकेट्स सिंबल्स. रेड कलर सिंबलाइजेस एंड इंडिकेट एंगर, वायलेंस, डेंजर, वार्निंग. दिस कलर इज मेनली यूज्ड इन मैरिजेस. शादी ब्याह में ये कलर ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है. कुछ मंडप बांधा या फिर दुल्हन के कपड़े जोड़े को. रेड कलर इंडिकेट्स लव. ये प्यार दर्शाता है. दिस कलर इज लव्ड बाय चिल्ड्रन एंड लेडीज. ये कलर बच्चों में और औरतों में, लेडीज़ में ज़्यादा पसंदीदा है ये कलर, रेड कलर. नाउ अबाउट येलो कलर. फ्रॉम ऑल द प्राइमरी कलर्स दिस कलर इज द मोस्ट ब्राइट कलर. ये प्राइमरी कलर्स में प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? रेड, ब्लू और येलो. तो ये इन तीनों कलर में येलो कलर ज़्यादा ब्राइट कलर है. इट इज़ द सिंबल ऑफ सन. ये सन का प्रतीक है. दिस कलर हैज़ बीन यूज्ड फॉर बोन फायर, लाइट फायर, लस्टर, प्योरिटी, ग्लोरी एंड सॉफ्टनेस. ये अपना तेज बताता है, सॉफ्टनेस बताता है, प्योरिटी बिल्कुल, ग्लोरी बताता है. दिस कलर्स कैन बी यूज्ड फॉर वीकनेस और इलनेस. और फिर अगर हम कुछ कमज़ोरी या बीमारी बताने के लिए भी ये कलर हम यूज़ कर सकते हैं. दिस कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पेंटिंग्स ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियंस. ये पेंटिंग में ये कलर ज़्यादा यूज होता है इन रिलीजन में, हिंदू, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियंस. नंबर थ्री, ब्लू कलर. ब्लू कलर इज अ ऑफ वास्टनेस, असीम. सेंट गुरु नानक रिफर्स दिस कलर एज अ सिंबल ऑफ गॉड. ब्लू कलर, ये गुरु नानक जी जो है वो उन्होंने गॉड का ये प्रतीक मनवाया माना था. द लिमिट ऑफ ब्लू कलर कैन नॉट बी कन्फर्म्ड. जिसका ये वास्टनेस दर्शाता है ना. दिस कलर डिस्प्लेज स्काइज वास्टनेस एंड बाउंडलेस इटर्निटी. दिस कलर डिस्प्लेज स्काइज वास्टनेस एंड बाउंडलनेस. आसमान जो है उसकी सीमा है कोई नहीं, बहुत दूर तक उसकी कोई सीमा, असीम है. वास्टनेस दर्शाता है ब्लू कलर. मतलब ड्यू टू द वास्टनेस ऑफ स्काई इल्यूजन ऑफ ब्राउन कलर इज जनरेटेड. ब्लू कलर डिस्प्लेस इटर्निटी, सीरियसनेस एंड इमेंसिटी.
इंटेलिजेंस सीरीज एंड इमेंसिटी। नाउ ग्रीन कलर, द कलर ग्रीन इज द सिंबल ऑफ वाइटलिटी गिविंग अस द फीलिंग ऑफ नेचर। दिस कलर इज प्रेजेंट इन द लास्ट बैंड ऑफ द इंडियन फ्लैग। इट रिसेंबल्स फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, फ्रेशनेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रीनरी, वेलकम एंड फेट। ग्रीनरी दर्शाता है ना, हरियाली बताने के लिए। फिर किसी की हम आगता स्वागत करते हैं वेलकम के लिए, तब भी प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धता, ताजगी, खुशी ये बताने के लिए हम ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं। ग्रीन गार्लैंड्स सिंबलाइजेस वेलकम। जो ग्रीन गार्लैंड्स होते हैं वो किसी का वेलकम करने का वो सिंबलाइज है। वेल एज ग्रीन फ्लैग सिंबलाइजेस लिबरेशन। ग्रीन गार्डन इज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वेल एज ग्रीन वेव इज फॉर हैप्पीनेस एंड फ्रेशनेस। ग्रीन वेव हैप्पीनेस और फ्रेशनेस बताता है। ग्रीन कलर गिव्स अस फीलिंग ऑफ पीस, शांति भी बताता है ग्रीन कलर। ओके, नाउ अबाउट ऑरेंज कलर। कलर ऑफ सेकेंड सीरीज इज अ सिंबल ऑफ साइंस एंड नॉलेज। ये ऑरेंज कलर जो है वो साइंस और नॉलेज, विज्ञान और नॉलेज का सिंबल है। इट डिस्प्लेस फीलिंग ऑफ गैलेंट्री, डिवोशन, सेक्रीफाइस एंड मैट्रिडम। ये सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान, उसका भी प्रतीक। इट कॉल्स टू एनफोर्स फुल एनर्जी टिल यू डाई इन डिफेंस ऑफ द कंट्री। इट्स बिकॉज ऑफ दिस वी कैन सी दिस कलर इन द टॉप बैंड ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। हमारे नेशनल फ्लैग में बिल्कुल ऊपर की तरफ ये दर्शाया जाने की। बलिदान का प्रतीक है। लॉर्ड हनुमान सिंदूर मीन्स ऑरेंज कलर इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ डिवोशन एंड पावर। पावर और डिवोशन, भक्ति भावना भी ये दर्शाता है ऑरेंज कलर। नाउ व्हाइट कलर, द कलर सिंबलाइजेस पीस। दिस कलर सिंबलाइजेस पीस, ये कलर शांति बताता है ना। इट इज प्योर एंड होली, ये बिल्कुल प्योर और होली है। इट डिस्प्लेस विलिंग, होली मतलब पाक, पवित्र। इट डिस्प्लेस फीलिंग्स ऑफ सिंप्लिसिटी, पॉलिसी, क्लीनलीनेस, ऑथेंटिसिटी, ह्यूमनिटी, ट्रूथ, काइंडनेस, पीटी एंड कॉम्पिचुलेशन। इट सादगी, पॉलिसी, साफ सफाई, ये सब दर्शाता है। व्हाइट इज कलर एट इट्स मोस्ट कंप्लीट एंड प्योर, द कलर ऑफ परफेक्शन। दिस कलर बिल्कुल, ये कलर बिल्कुल प्योर होता है। दिस कलर इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ इंडियन फ्लैग विच सिंबलाइजेस पीस एंड ट्रुथ। ये नेशनल फ्लैग के बीच में, हमारे नेशनल फ्लैग के बीच में है, जो कि क्या दर्शाता है, शांति और सत्यता, ट्रुथ। ना अबाउट वायलेट कलर, वायलेट कलर इज द कलर ऑफ पावर एंड प्राउड। शक्ति और गर्व का प्रतीक है वायलेट कलर। इट डिस्प्लेस फीलिंग्स ऑफ स्प्लेंडर, ह्यूमनिटी, लग्जरीज, पीस, हैप्पीनेस, रिचनेस, पावरफुल एंड जेनरसिटी। ये शांति भी बताता है, पावर भी बताता है, इंसानियत बताता है, खुशी, रिचनेस, पावरफुल, जेनरसिटी। जब हम किसी खासकर राजा रानी का हम पिक्चर बनाते हैं, तब ये वायलेट कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं, वायलेट या पर्पल कलर, ठीक है ना। इससे ये दबदबा, इंसान का दबदबा कितना है वो भी बताता है। दिस कलर इज ए मिक्सचर ऑफ जेंटल ब्लू एंड डायर रेड। ये ब्लू और रेड कलर के मिक्सिंग से बनता है वायलेट कलर। नाउ अबाउट ब्लैक कलर, ब्लैक कलर इज एसोसिएटेड विद डेथ, फ्रॉड, फियर, मिस्ट्री, स्ट्रेंथ, एलिगेंस, फॉर्मेलिटी, डेथ, हरासमेंट, एग्रेशन एंड ऑथोरिटी।
ब्लैक कलर जो है वो मृत्यु डेथ या फिर कुछ छल डर शक्ति हैरेसमेंट टीज करना या फिर कुछ शैतानियत या फिर गुस्सा अथॉरिटी ये सब बताता है. ओके, ब्लैक इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल कलर्स टू हैव डेप्थ एंड वेरिएशन ऑफ व्यू. ब्लैक कलर इज द सिंबल ऑफ ग्रीफ एंड प्रोटेस्ट. टू प्रोटेस्ट अ पीस ऑफ ब्लैक कलर इज वेव. देखा होगा किसी जुलूस में हम ओपोज करने के लिए कभी कभी वो काले मतलब रंग का फ्लैग फहराते हैं कि भाई हम आपके खिलाफ हैं, खिलाफत बताने के लिए. नो अबाउट कलर स्कीम, देयर आर मैनी कलर्स इन कलर बॉक्स बट वी कांट यूज ऑल कलर्स एट सेम टाइम. सारे कलर्स का हम यूज करते हैं एक ही टाइम में एक ही पिक्चर बनाना नहीं, तो ये बिल्कुल बकवास लगेगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड कलर स्कीम एंड अप्लाइमेंट. इसलिए कलर के बारे में कुछ जानना जरूरी है. रिलेटेड कलर स्कीम क्या है वो. द कलर सिस्टम इन विच कलर आर एडजेसेंट टू वन अनदर इन द व्हील्स ऑफ कलर्स आर यूज इज कॉल्ड रिलेटेड कलर स्कीम. एग्जाम्पल, द रिलेटेड कलर स्कीम ऑफ रेड आर पर्पल एंड ऑरेंज. ऑरेंज एंड ग्रीन आर रिलेटेड टू येलो एंड पर्पल एंड ग्रीन आर रिलेटेड टू ब्लू. जैसे कि ये ब्लू हमने देख लिया, ब्लू की कौन से कलर से ये ग्रीन कलर किससे बनता है, येलो और ब्लू कलर से. वैसे ही ऑरेंज एंड ग्रीन आर रिलेटेड टू येलो एंड पर्पल एंड ग्रीन आर रिलेटेड टू ब्लू. द कलर स्कीम इज द सिंक ऑफ बोथ कलर्स लाइक रिपिंग एंड कामनेस. द रिलेटेड कलर स्कीम ब्रिंग अ फीलिंग ऑफ कामनेस एंड स्वीटनेस टू द पिक्चर. रिलेटेड जो कलर है उससे हम पिक्चर में कामनेस या स्वीटनेस बता सकते हैं. दिस कलर स्कीम इज यूज in decorating the walls of homes and offices. In addition, this color scheme is used in clothing as well. हम कपड़े के पहनने में भी ये कलर रिलेटेड कलर यूज़ करते हैं ज़्यादा, और फिर दीवार पे घर के ऑफिस की दीवार पे भी ये यूज़ करते हैं, पेंट करते हैं. कंट्रास्टिंग कलर स्कीम इन द व्हील ऑफ कलर, द प्राइमरी कलर ऑपोजिट टू द सेकेंडरी कलर आर कॉल्ड contrasting colors. Example, contrasting colors of red is green and yellow is violet. Contrasting colors are especially used in posters, advertisements or hoardings, propaganda pictures, greeting, book cover, etc. These colors can use as the hoardings, propaganda pictures, greetings, book cover, etc. रेड का जो ये कॉन्ट्रास्ट कलर कौन सा है, ग्रीन, और येलो का वायलेट. येलो का वायलेट और फिर भी ब्लू का फिर ऑरेंज, ये उनके कॉन्ट्रास्ट कलर. ये इनरमोस्ट सर्कल और फिर अंदर से तीसरे सर्कल के विरुद्ध दिशा में जो है वो.
कॉन्ट्रास्टिंग कलर चलाते हैं ना, मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। द कलर स्कीम ऑफ पिक्चर पेंटेड इन डिफरेंट टीम्स एंड शेड्स ऑफ एनी सॉरी द कलर स्कीम्स द कलर स्कीम ऑफ अ पिक्चर पेंटेड पेंटेड इन डिफरेंट टीम्स एंड शेड्स ऑफ ओनली वन कलर इज नोन एज मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। द स्कीम इन द पिक्चर illustrates the feeling of peace, variety of tints and shades make any picture or making of any picture attractive. Monochromatic color scheme से हम किसी picture को ज़्यादा आकर्षक बना सकते हैं tint और shade के ज़रिए ही। हमें हमने पता है tint और shade हमने किया है पिछले साल। tint color किसे कहते हैं? A tint is obtained by mixing right color in that color. कोई एक कलर में समझ लो रेड कलर लिया, उसमें थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स करोगे तो वो रेड थोड़ा लाइट कलर सा लगेगा, है ना। और भी उसी में फिर और वाइट मिक्स करोगे तो और लाइट, फिर और मिक्स करोगे तो फिर वाइट कलर तो वो पिंक दिखेगा और फिर लाइट पिंक दिखेगा। तो ये रेड कलर के टिंट हुए। कोई भी कलर में वाइट उत्तरोत्तर ज़्यादा मिक्स करते जाओ तो उसके वो टिंट्स बने कहलाते हैं। नाउ शेड, द शेड ऑफ द कलर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ब्लैक इन इट। फॉर एग्जांपल मरून इज द शेड ऑफ रेड। अब रेड में अगर थोड़ा सा ब्लैक, मामूली सा ब्लैक मिक्स करोगे तो वो थोड़ा डार्क रेड दिखेगा, और मिक्स करोगे तो फिर लाइट मरून जैसा, और ब्लैक मिक्स करोगे तो मरून दिखेगा, तो और भी फिर मिक्स करो तो फिर बिल्कुल डार्क मरून जैसा दिखेगा। तो ये रेड कलर के वो ब्लैक मिक्स उत्तर उत्तर मिक्स करने जाने पे जो मिलते हैं उसे वो रेड कलर के शेड कहलाते हैं। नाउ वार्म कलर स्कीम। वी नो दोज कलर्स आर एज वार्म कलर्स विच क्रिएट द इफेक्ट ऑफ वार्म्थ और एक्साइटमेंट इन आवर माइंड्स। जो हमारे आँखों के जरिए हमारे दिमाग में उत्तेजना जगाता है, थोड़ा कुछ भड़क जाना या ऐसा, तो वो वार्म कलर्स कहलाते हैं। जैसे कि हम किसी को खून थोड़ा सा निकला तो हम तुरंत ही आँखों के जरिए देखकर हमें वो खून निकला इसको तो रेड कलर। कुछ लड़कियाँ कॉकरोच देखकर भड़क जाती, ओह कॉकरोच रेड कलर सा है वो, कॉकरोच भड़क जाते हैं। The pictures in which these colors are used are called warm color scheme. Colors prepared from red color are known as warm colors. Red, orange, purple and yellow with a tint or red are called warm colors. Red, orange, purple and yellow and a tint of red, these colors are warm colors. These colors are used more in advertisement or hoardings, posters, cinema slides, etc. Ye colors एडवर्टाइजमेंट्स, होर्डिंग, पोस्टर्स, सिनेमा स्लाइड्स में वगैरह में ज़्यादा यूज होता है ना। बट टून कलर स्कीम आँखों के जरिए हमारे दिमाग में जो शांति प्रदान करता है, ठंडक पहुँचाता है, वो कलर यानी कि कूल कलर, जैसे कि हमें पता है ग्रीन, ब्लू, वाइट, ये सारे कूल कलर्स कहलाते हैं। ग्रीन, ब्लू, दोज कलर्स विच क्रिएट एन इफेक्ट ऑफ कामनेस ऑन आवर माइंड्स आर कूल एज कूल कलर। इफ सच कलर्स आर यूज इन पिक्चर्स, such scheme is called cool color scheme. Blue and colors obtained from it are called cool colors. Blue, green slate, blue, purple and white are cool colors. These are cool colors. Blue, green slate, blue, purple and white are cool colors. These colors are used in decorating the walls of homes or offices, in furniture, tiles, ceiling, our rooms or carpets to be spread on the ground in window, curtain, mattresses, etc. In some rooms, में ये cool colors use होता है जिससे कि भाई घर में रोशनी भी रहे और थोड़ा सा शांति सा लगे, है ना। इसलिए ये cool colors यहाँ पे इन जगह पे cool colors use होता है ना। अब आप transparent colors, after applying colors, if the paper is after applying colors, if the paper of surface is visible through the colors are regarded as transparent colors.
कलर करने के बाद हमें जो कागज जो सतह दिखता है पीछे जो वाइट कलर का पेपर थोड़ा दिखता है यानी तो आर पार दिखता है कि तो कलर थोड़ा डल पड़ गया, मतलब पीछे का पेपर वाइट था बराबर। तो वो जो जो कलर अप्लाई करने के बाद हमें थोड़ा लाइट दिख रहा है वो सारे कलर्स ट्रांसपेरेंट कलर्स कहलाते हैं, जैसे कि ट्यूब कलर्स। ट्यूब कलर जो होते हैं ट्यूब कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट कलर्स हैं। वाटर कलर्स आर रिगार्डेड टू बी ट्रांसपेरेंट, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन दिस कलर्स हाई, वंस अप्लाइड ऑन पेपर इट कैन नॉट बी चेंज while changing the objective of transparency gets destroyed. Now opaque colors, opaque color मतलब कि हम कागज़ पर अप्लाई करने के बाद वो कागज वो फिर वाइट कलर का पेपर बिल्कुल दिखता ही नहीं है, opaque. After applying colors in the paper is not visible, the colors are called opaque colors. These colors can be changed even after applying on paper. Pastel colors, फैब्रिक कलर्स, पोस्टर कलर्स, ऑयल कलर्स एक्सेट्रा आर ऑपिक कलर्स। जो ऑयल पेस्टल कलर्स होते हैं, पोस्टर कलर्स होते हैं, ऑयल पेंट होता है, फैब्रिक कलर्स होते हैं, वो सारे ऑपिक कलर्स कहलाते हैं। नाउ लाइट एंड शेड, ठीक है, हम पेंसिल शेडिंग से ये कब शेडिंग करते हैं ना, जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे ज़्यादा शेड करते हैं बैक एंड फोर्थ से। लाइट एंड शेड हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, द एरिया इन विच द लाइट फॉल्स इज कॉल्ड एज लाइट, द एरिया इन विच द लाइट